फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है रांधन छठ, जैसे कि अपने जो हिंदू सभ्यता में माना जाता है कि रांधन छठ पे हम लोग खाना बनाते हैं और शीतला सप्तमी पे हम लोग सब ठंडा खाना ही खाते हैं। यानी कि जब ये व्लॉग आ रहा होगा तब उस दिन शीतला सप्तमी होगी, तो रांधन छठ के दिन हम कंप्लीट बहुत बहुत तरह की यानी वेराइटीज़ वगैरह बनाते हैं और खाना यानी ऐसा बनाते हैं जो दो दिन तक ख़राब ना हो। और शीतला सप्तमी के दिन, जैसे कि आज छठ है तो कल है शीतला सप्तमी, उस दिन हमारे घर पे बच्चे से लगाकर बूढ़ा यानी कैसा भी हो तो वो लोग यानी ठंडा ही खाना खाते हैं, क्योंकि इस दिन शीतला माता का व्रत किया जाता है। शीतला माता यानी शीत यानी ठंडा खाना खाया जाता है और पूजा वूजा करी जाती है। ये सब चीज़ों का यानी रिचुअल है और हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि एक दिन पहले हम इतना ज़्यादा खाना बनाते हैं, बहुत सारा अलग अलग टाइप्स की वैरायटी, और एक दिन बाद फिर हम उसी खाने को खाते हैं। रात को भी वही खाना खाते हैं पर दूसरे दिन दोनों टाइम यही ठंडा खाना खाते हैं। उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि उस दिन कहते हैं ना शीतला माता रात को आके देखते हैं कि हमारा चूल्हा जला है कि नहीं जला है, क्योंकि रात को 12 बजे से पहले हमको चूल्हा ठंडा करके फिर सोना पड़ता है। ये सब चीज़ें मम्मी बताती थी इसलिए पता है। और हर साल तो क्या, 4 सालों से तो मैं मेरे ससुराल हूँ, बाकी तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं और मेरी मम्मी मिल के इतना सारा खाना बनाते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। शादी के बाद भी मज़ा आता है पर मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना, वो सब मस्तियाँ बनाते वो इतनी ज़्यादा याद आती है। मेरे भाई का मुझे चिढ़ाना कि तुझे तो कुछ नहीं आता और तेरे हाथ का तो बना मैं कभी खाऊँगा भी नहीं, ये सब चीज़ें शादी से पहले बहुत होती थी। शादी के बाद तो जैसे कि बिल्कुल ये सब चीज़ों से काफ़ी, अब मैं भी थोड़ी देर के लिए जाती हूँ तो वो मुझसे लड़ता झगड़ता नहीं है, क्योंकि बहन आई है, अब उसमें भी क्या लड़े झगड़े ऐसा रहता है ना। और बस इस आज के दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है और आज मम्मी पापा नहीं है तो आज खाना सारा यानी मुझे ही बनाना है, और भाभी से भी बात करूँगी तो शायद दोनों घरों का खाना इकट्ठा बनेगा तो दोनों को हेल्प भी हो जाएगी, प्लस साथ में त्योहारों पर साथ में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। भाभी को बोलूँगी तो हम दोनों मिलके बना देंगे खाना और हम भी मज़े करेंगे काफ़ी। तो चलिए हम लगते हैं काम में, सुबह सुबह के काम निपटा देते हैं। अब भाई जी आ रही है वो तो पता नहीं है, पर जो हमारा काम है वो तो हम कर ही देते हैं। रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, मम्मी के रूम की और मेरे रूम की, और कहीं बिखेरा वगैरह है डाइनिंग वगैरह क्लीन करना, क्योंकि डाइनिंग काफ़ी मैस हो चुका है। और किचन में भी जो मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है अभी, ब्रेकफास्ट में तो मैं ले रही हूँ दूध और चिकू लेते हैं दूध और ब्रेड और फ्रूट, और मैं लेती हूँ कॉफ़ी फ्रूट एंड ब्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। एक दूध जब तक बन रहा है तक मैं डाइनिंग वगैरह क्लीन कर देती हूँ। अब कर देती हूँ मिट्टू राजा का पिंजरा साफ, क्योंकि ये दोनों कर रहे हैं मस्ती, या वो देखो काटने मत आओ, ऊपर जा। ऊपर चला जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, पिंजरा साफ करना है मुझे। चलो ऊपर आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन। किसके लग गई है? ओ वो कितना ज्यादा लग गया है, खून भी आ गए, पिंजरा भी बाजू बाजू हो रहा है। आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। काटने नहीं आओ मिट्टू, फिर पिंजरा कैसे साफ करूंगी, पिंजरा कैसे साफ करूंगी, ऊपर आ जाओ, चलो चलो कम ऑन। सुनते तो हो नहीं तो फिर क्या करे, ऐसी ही सफाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा पिंजरा साफ, अब और सुगला कर दो। एकदम बदमाश है, जब कैमरा चालू होता है ना तब कुछ नहीं करेंगे, बाकी तो इतनी मस्तियाँ होती है इनकी। चलिए अब करते हैं दूसरा काम,
ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, काम सारे बाद में करेंगे क्योंकि चिकू अभी नहाकर आने वाले हैं। इसलिए अभी आई शॉप से घर पे, क्योंकि चिकू को भी वहाँ पर शॉप पे खाना वगैरह खिलाना था क्योंकि चिकू हैं अकेले। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ रबड़ी, आप देख सकते हो रबड़ी का क्या सेटअप लगा है। तीन रखी हैं कढ़ाइयाँ और कढ़ाइयों में लबालब तबड़ रही है रबड़ी। और तबड़ी को ये हम अच्छे से साथ साथ में मलाई भी बना रहे हैं रबड़ी की वही। और सब्जियाँ आ गई हैं, अभी सब्जियाँ धोऊंगी, रबड़ी बन रही है, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। अभी काम हो जाएंगे हमारे, बर्तन हो चुके हैं तो बर्तन धो देती हूँ और आपको एक तरफ रख देती हूँ। अभी बज रही है दोपहर की 2:46 हो रही है अभी, और नॉन स्टॉप सुबह से काम हो रहा है। दुकान गई, उस दुकान गई, अरे यार इतना ज़्यादा काम था। और उस बीच आज रांधन छठ भी है जैसे कि, तो यही खाना रांध रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ काम और आप लोग हो रहे होंगे बोर, क्योंकि मेरे कंटिन्यूसली बात भी नहीं कर सकती हूँ इसलिए टाइम लैप्स ही बन पा रहे, तो खाना वगैरह सब बना कर फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हमारा खाना वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है और 8:30 हो रही है अभी। और ये बन गई हैं पूड़ियाँ, ये बन गए हैं पराठे, और यहाँ पर रबड़ी तैयार हो गई है, ये सब्जी, ये एक और सब्जी, और पुलाव बनाने बाकी है। तो भाभी घर पे गए हैं शिमला मिर्ची लेने के लिए, और सब काम हालांकि फटाफट हो गया, हम दोनों ने मिलके जल्दी से कर दिया। और बस यही, जब मैं ये बर्तन जो निकाले हैं वो क्लीन कर देती हूँ और फिर पूरा स्टैंड वगैरह सब कंप्लीट क्लीन करेंगे, और जो चूल्हा है उसको हम ठंडा करेंगे यानी गैस को, क्योंकि हम यानी यूँ कहा जाता है कि शीतला माता है ना, रात को आके गैस देखती है, अगर ठंडा हो 12 बजे से पहले ठंडा हो जाना चाहिए, नहीं ठंडा होता है तो लगभग ऐसा कुछ श्राप वगैरह लगता है ऐसा है। पर हम 12 बजे से पहले क्या अभी हो जाएगा हमारा, तो 9 बजते में ही हो जाएगा, 8 बजते में ही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करके कंप्लीट रख देंगे, और ज़्यादा थक गए हैं तो रेस्ट करेंगे। अब आपको मिलती हूँ मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन करने के बाद। चलिए अब आपको करवाते हैं रसोई के दर्शन, क्योंकि कब से बेचारी रसोई हमारे साथ लगी पड़ी है कार्य में, काम काम में, तो इसीलिए आप बता देते हैं आपको रसोई में क्या क्या हो रहा है अभी। जैसे कि अभी खाना हमारा पूरा बन गया है, बनाए हैं वेज पुलाव एंड रबड़ी और भिंडी की सब्जी, आलू और तिंदूरी की सब्जी, ये मसाले वाली पूड़ी, ये नॉर्मल पूड़ी, बस इतना ही बना पाए क्योंकि हर टाइम हम बहुत सारा बनाते हैं। मेरी और भाभी की दोनों की तबीयत थी ख़राब इसलिए हम ज़्यादा कुछ भी बना नहीं पाए, कुछ भी क्या, यही बड़ी मुश्किल से बनाया है हमने, पर चलो कोई बात नहीं। और अभी है ना किचन वगैरह सब कंप्लीट क्लीन कर दिया है, क्योंकि आज के दिन हम एक बर्तन भी जूठा रख के नहीं सो सकते। और अभी चिकू आएंगे, चिकू के साथ कराऊंगी मैं गैस की पूजा, बाहर से सिलेंडर करवा दूंगी ऑफ, क्योंकि कोई गलती से कल सुबह गैस चालू ना कर दे, क्योंकि हम कल पूरा दिन गैस चालू नहीं करने वाले, ये ही खाने वाले हैं खाना, क्योंकि दोनों टाइम का खाना बनाया है इसलिए कंप्लीट हो जाएगा। और बस इन सबको कर देती हूँ अब, पैक करके रख देती हूँ और फिर अच्छे से अरेंज करके फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर रहेगा तो ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए तो लगभग सबको कर देती हूँ पैक। अभी तो खाना खाने की 1% भी इच्छा नहीं है, क्योंकि इतना बना बना के ही थक गए हैं, यानी इतना बना बना के मन भर गया है इसीलिए। तो अभी सिर्फ थोड़ी सी रबड़ी कुछ मैं खाऊंगी और एक आधी ये मसाले वाली पूड़ी खा लूंगी, बस इनफ है।
और बाकी सब जो भी खाना है वो फ्रिज में रखना है, तो फ्रिज में कर देती हूँ स्पेस और फिर रखती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चिकू के साथ अभी मंगवाई है मैंने कुमकुम यानी कुमकुम का तिलक मंगवाया है, क्योंकि हम अभी गैस की करेंगे पूजा। और अभी चिकू लेके आ गए हैं, ये चलेगा ना? हाँ चलेगा ना। कितना? बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा दो। बहुत ज़्यादा है। अब चलो इधर बना स्वास्तिक, थोड़ा सा डाल दो कुमकुम। ढीला हो गया। काम तो इतना ज़्यादा पानी नहीं कुमकुम कितना कि 10-12 दियो को टिलक करना हो इतना 10 भी क्या, 100 जनों को तो हो जाए टिलक। 100 जनों अभी मेरे का टिलक करने जाना। राइट कैमरा एक्शन। चलो पहले बनाओ प्लस यहाँ पे। हाँ अब ऐसे करो ऊपर से ऊपर से ऊपर से यहाँ से। ठीक है मुंह बराबर है ना? अब इधर हाँ नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे बना तो मस्त रहे, मेरे जैसा बना रहे तुम। वाओ अब तिलक करो इधर पांच ऐसे से। हाँ हाँ ठीक है। अब थोड़े से चावल लाके पूजा कर दो। चावल कहाँ से लाऊं? अंदर डिब्बी में होंगे कहीं। चिकू से काम करवाया पर कर तो दिया, मेरे को लग रहा था कि अच्छे से नहीं करेंगे पर कर दिया है। और अभी लेने गए हैं वो चावल, क्योंकि पूरी पूजा चावल के बगैर तो अधूरी है तिलक, तो बस अभी लगेगा चावल। चावल जैसे ही लगता है फिर से हो जाएगा हमारा काम कम्प्लीट और फिर रेडी है किचन। ओ हीरो जल्दी। हाँ ठीक है अब धोक लग जा। ये अन्नपूर्णा देवी है, ये हमको खाना देती है जिससे हम मोटे भी होते हैं। फिर ये तो ऐसे वॉश कर, नल के नीचे रख दो एक बार, ले जाओ आप ही वॉश करके। रसोई में हो गई है पूजा और बस अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि मेरी जो भी वीडियो आ रही है रोज़ की रोज़ और ब्लॉग्स आ रहे हैं वो आप इन्जॉय कर पाओ। और हाँ मुझे कर देना इंस्टाग्राम पर फॉलो। आप मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड कर दो और शॉपिंग स्टार्ट कर दो, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं। और बस ये काम कर दो जो भी बोला है प्लीज़ कर दो, मेरे सब्सक्राइबर हो आप लोग तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी सब्सक्राइब कर दे, डायरेक्ट वीडियोस ना देखे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। ओके बाय।